Hey viewers, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel, myself Mehani. तो कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो आने वाली है स्पेशली फॉर हेयर्स. आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट हेयर टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके बाल बने स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, शाइनी एंड सिल्की. टिप नंबर वन, अगर आप हेयर ऑयलिंग नहीं करते हैं तो आज ही टाइम निकाल के ऑयलिंग करें. इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर योर हेयर्स. इससे आपके बाल मॉइस्चराइज, स्मूथ एंड शाइनी होंगे. जब आपको शैम्पू करना हो उससे एक डेढ़ घंटा पहले लगा लें एंड देन हेड वॉश कर लें. टिप नंबर टू, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए. खाएँ बट थोड़ा खाएँ, और ज़्यादा फोकस आप हेल्दी फूड पर ही रखें तो इससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी. नंबर थ्री, स्ट्रेस कम लें. जितना आप खुश रहेंगे उतना अच्छा होगा. टिप नंबर फोर, वुडन कॉम्ब यूज़ करें. उससे ये होगा कि आपके बाल जल्दी से सुलझ जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा और स्कैल्प मसाज भी हो जाएगा. वुडन कॉम आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है और इससे बहुत जल्दी बाल सुलझ जाते हैं, और जब बाल जल्दी सुलझ जाएंगे टूटेंगे भी नहीं तो ब्रेकेज भी कम होगा और बाल अच्छे ही लगेंगे. टिप नंबर फाइव, जब भी शैम्पू करें शैम्पू को पानी में डाइल्यूट करके यूज़ करें. इससे आपके बाल डैमेज बहुत कम होंगे, क्योंकि वो शैम्पू डायरेक्ट जब स्कैल्प पे रखता है तो वो आपके हेयर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है. तो इसलिए आप इसको पानी में डिज़ोल्व करके किसी भी स्पैचुला वगैरह से मिक्स कर लें एंड देन इसको नॉर्मली शैम्पू कर लें अपने हेयर्स को. टिप नंबर सिक्स, हार्ड टॉवल यूज़ ना करें. हमेशा कोई सॉफ्ट शर्ट अपनी हस्बैंड भाई वगैरह की यूज़ करें. बेस्ट ये है कि माइक्रोफाइबर टॉवल यूज़ करें आप. टिप नंबर सेवन, अवॉइड हीट फ्रॉम योर हेयर. कर्लर, स्ट्रेटनर वगैरह वगैरह आप ये यूज़ ना करें तो आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है. नॉर्मली हेयर को ड्राई करें, ड्रायर नहीं यूज़ करें. टिप नंबर एट, बालों को थोड़ा थोड़ा करके कॉम्ब करें. टिप नंबर नाइन, बालों की रात में लूज चुटिया बनाकर सोएं. खोल के सोने से बालों को ब्रेकेज हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं. चुटिया बनी हुई होगी तो आपका बिल्कुल ब्रेकेज नहीं होगा. टिप नंबर टेन, आप स्क्रंचीज यूज़ करा करें, पोनीज नहीं. उससे बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं तो ब्रेकेज होता है. जब ब्रेकेज होगा तो ऑब्वियसली आपके बाल ख़राब होंगे, तो आप स्क्रंचीज यूज़ करें. Thanks for watching. Don't forget to like, comment and share.